नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। खबर सोनभद्र जिले के डाला से है, जहां बिल्ली मार कुंडी ग्राम पंचायत के दुर्गा टोला में मंगलवार को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में आयोजक नागेश्वर प्रसाद गोंड, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति व जनजाति अपना दल के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोड व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी ताकत दिखाई। इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के बाद विशाल रैली निकाली गई, जो वाराणसी शक्ति नगर मुख्य मार्ग होते हुए चयनित स्थल दुर्गा टोला मैदान में समाप्त हुई। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दी। युवक युवतियां परंपरागत परिधान में नजर आए। मंच पर पारंपरिक शैली में आदिवासी नृत्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। युवक युवतियों द्वारा आधुनिक संगीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत आदिवासी लोकगीत पेश कर किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी संरक्षण एवं प्राकृत सांस्कृतिक संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। तब से आदिवासी दिवस देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री गोंड ने कहा कि आदिवासी समाज स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर कार्य कर रही भाजपा सरकार व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के प्रति आदिवासी समाज का भरोसा निरंतर बढ़ रहा है। भारत का आदिवासी समाज भाजपा के नेतृत्व में सुरक्षित है। इस दौरान दिनेश बिहार राष्ट्रीय कारिणी के सदस्य अपना दल यश जुगैल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी संतोष साहनी, दया शंकर निषाद, धीरेन्द्र रोहित बिन, राजन जायसवाल, तीला मरावी, ओम प्रकाश शर्मा, लवकुश भारती, राजेश अग्रहरी, छोटे लाल साहनी, उमेश सिंह पटेल, ओम प्रकाश गोंड, आनंद कुमार, सेक्टर संयोजक टाटा चौधरी, शरद गोंड आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं विराट 24 के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट।